सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अजित कुनाल। ओके, आज हम क्या देखने वाले हैं? 19 डॉट वीडियो क्वेश्चंस फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3 और डाउट वीडियो 17 क्वेश्चंस बाय आस्क्ड बाय डिन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कभी कभी कुछ बोलने का मन नहीं करता, इसे शुरू में कुछ बोलता नहीं हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से आते हैं। विथ वॉट मिनिमम प्रेशर इन किलो पास्कल्स अ गिवन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस सीपीएम 7/2 R ओरिजिनली एट 400 केल्विन and 100 kilopascal pressure can be compressed irreversibly adiabatically in order to raise its temperature to 600 kelvin. Easy question, why easy? Because बस एक ही लोचा किया गया है इसमें, और लोचा क्या है? CV ना देखा क्या CP दे दिया गया है। अब बच्चा confused, CP का value बाबा रखेंगे, answer आएगा नहीं। जब सॉल्यूशन देखने जाएंगे तो बोलेंगे यार ये कहां से दे दिया है, सीपी का वैल्यू तो होता ही नहीं है 5/2 होता है। अब यार ध्यान से देखो, सीपी नहीं पूछा है, सीपी नहीं लिखना है, सीवी लिखना है। ठीक है, याद रखिए सीवी लिखना है ना कि सीपी लिखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अब फॉर्मूला के अनुसार एडियाबेटिकली इनरिवर्सिबल कंप्रेशन है। क्या है? एडियाबेटिकल इनरिवर्सिबल कंप्रेशन है, इसका मतलब एडियाबेटिक में क्यू होता है 0। ठीक है, और डेल यू हो जाएगा डब्ल्यू के बराबर, और जब ये बराबर हो जाएगा इसके तो हमें क्या करना चाहिए, डेल यू का इक्वेशन इधर लिखना चाहिए, डब्ल्यू का इक्वेशन इधर लिखना चाहिए, दोनों इक्वल टू को साइन के अगर बगल लिख देना चाहिए और सॉल्व कर देना चाहिए। तो चलिए लिख के देखते हैं क्या आता है इक्वेशन। डेल यू थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी प्रोसेस के लिए उसका इक्वेशन जो होता है वो सेम होता है, और वो होता है डेल यू इक्वल टू डब्ल्यू लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा यही लिख रहे हैं और कुछ नहीं लिखना है। थोड़ा और ऊपर ले देता हूँ मैं इसे, दिखाई तो दे ही रहा है, डेल यू इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, तो डेल यू हमेशा हमेशा एन सी टी एन सी डेल्टा टी ही होता है, याद रखिएगा, क्योंकि यू को हम लोग क्यू से ही डिफाइन करते हैं, और जब हम लोग क्यू से ही डिफाइन करते हैं तो क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी जो होता है ना, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर मोल से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे एन आता है और यही होता है यहाँ पर। तो डेल टी को हटा के मैं यहाँ लिख सकता हूँ टी टू माइनस टी वन, कोई दिक्कत नहीं। सी वी लिखूंगा क्योंकि यू लिखा है मैंने, क्यू लिखता, क्यू अगर लिखता है यहाँ पे क्यू लिखता तो डेल, तो ये जो मेरे पास सी आता वो आता मेरे पास सी पी में। याद रखिएगा U जब भी लिखाता है तो CV ही इस्तेमाल होता है, और Q जब भी लिखाता है, डेल H जब भी लिखाता है तो CP ही इस्तेमाल होता है। ये बहुत बड़ा लॉजिक है, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर इस बात को याद रखिएगा आप लोग तो। ठीक है, और इसी चीज को लॉजिक से लगाना है, वर्कडन को देखना है। वर्कडन क्या होता है हमारे पास? PV होता है, और PV जो होता है वो होता है हमारे पास माइनस में, माइनस PV एक्सटर्नल होता है। ठीक है, कंप्रेशन है हमारे पास, ठीक है, कंप्रेशन एडियाबेटिक है इसीलिए हम लोग माइनस दे रहे हैं। तो P एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम का चेंज डेल वी, डेल वी का हम लोग वी टू बाई वी वन लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ लिखेंगे ही नहीं ऐसा। हम लोग क्या करेंगे इसको, हम लोग ये कर देंगे कि वी टू और वी वन को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पी एक्सटर्नल यहाँ पैसे लिखेंगे, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वी टू माइनस वी वन लिखेंगे। ठीक है, और पी एक्सटर्नल जो है वही हमारा पास पी टू है। ठीक है, पी टू इज पी एक्सटर्नल, ठीक है, पी टू इज पी एक्सटर्नल। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा बाहर से प्रेशर पड़ रहा है उसी को P2 के बराबर करना है हमें। ठीक है, वही करना है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनली एट 400 किलो पास्कल प्रेशर कैन बी कंप्रेस्ड इन ऑर्डर टू रेज इट्स टेम्परेचर 600 केल्विन। अगर कंप्रेस किया गया है ऐसे कि 600 केल्विन प्रेशर पे आ जाए तो विथ व्हाट मिनिमम प्रेशर हम लोग को उसे कंप्रेस करना पड़ेगा, तो वही करना पड़ेगा। पी एक्सटर्नल जो होगा पी टू हो जाएगा, जितना प्रेशर से कंप्रेस करेंगे उतना ही उसका पी टू आना चाहिए। जब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे तो एन सी वी तो ऐसे लिखा जाएगा, टी टू माइनस टी वन तो ऐसे लिखा रहेगा। हम लोग को पता है पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी, वी क्या हो जाएगा एन आर टी अपॉन पी, उसी ढंग से हम लोग इसको कर देंगे यहाँ पे एन आर टी अपॉन पी। तो माइनस पी एक्सटर्नल को पी टू लिख देता हूं मैं अब यहाँ पे, और ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर क्या, एन आर टी टू अपॉन पी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन पी वन। अब NR से NR को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ का N कैंसिल कर देते हैं और R भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि CV जो होता है वो हमारे पास क्या आता है 5/2 R आता है। तो अगर मैं CV को यहाँ पे 5/2 R लिखता हूँ
तो ये आर जो होगा इस आर से कैंसिल हो जाएगा और ये पी यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज वाई जब हम लोग इसका लिखेंगे तो हमारे पास क्या क्या पता है, हमें टेम्परेचर डिफरेंस पता है, ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 600 केल्विन, ये है 400 केल्विन, माइनस से जाएगा 200, पी वन पता है हमें 100 किलो पास्कल है, और ऐसे कभी सामने पी टू से पी टू मत काट दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इसको जब डिवीजन में आप लेके जाइएगा तो डिवीजन में इसका आंसर कुछ यूं आएगा, माइनस पी टू और ये डिवीजन में होगा पी टू पी वन इंटू यहाँ पे हो जाएगा टी, अब देखिए यहाँ पे पी टू के नीचे है तो ये टी टू पी वन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये पी टू टी वन हो जाएगा, ठीक है। पी वन का वैल्यू पता है, टी टू का वैल्यू पता है, पी टू का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो पी टू वैल्यू निकालना है आप लोग को, टी वन का वैल्यू पता है, यहाँ का पी टू से ये पी टू कट जाएगा और ये पी वन का वैल्यू पता है, इन दोनों का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, जब उसको कीजिएगा सॉल्व तो आंसर आ जाएगा आपका, पी टू का आंसर आ जाएगा ये, और पी टू का आंसर जो आएगा वो मुझे आप बताइएगा, और वो बताइएगा कैसे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अभी बता देता हूँ क्या आंसर आता है, इसका आंसर आता है 275 किलो पास्कल। इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा बता देता हूँ, देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आ सकते हैं, नीट के आईएएमएस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे हार्ड ऊपर नहीं जाने वाला, इतना में ही किसी की कितना हालत पंचर हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, वन मोल ऑफ आइडियल गैस सीवी बाई फाइव बाई टू दिया हुआ है, 300 केल्विन 580 प्रेशर दिया हुआ है, एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली टू फाइनल प्रेशर 280 एम अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे गिवन वॉल्यूम था, कांस्टेंट प्रेशर लेके यहाँ पे कर दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सीवी इस्तेमाल करना पड़ेगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस पूछ रहा है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस पूछ रहा है, तो सिंपल सिंपल इक्वेशन है इसका, डेल यू इक्वल टू डब्ल्यू, तो मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ इसको यहाँ पे, मैं कुछ भी ज्यादा इक्वेशन इक्वेशन नहीं लिखूंगा अभी, तो डेल यू इक्वल टू डब्ल्यू होता है ये हो जाएगा एन सी वी ही लिखूंगा, टी टू माइनस टी वन ही लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर अभी, मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ कि मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में आप लोगों को सारी बातें बताई हैं, और इसलिए हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो ये एन आर टी टू बाय पी टू माइनस एन हाँ ठीक है एन आर टी टू वन टी वन बाय पी वन। जब भी पढ़िए ना तो ऐसे पढ़िए बहुत इंटरेस्टिंग लगे, मजा लेके पढ़िए, मजा तो आप लोगों को किसी और ही चीज में आता है, मुझे पता है किस में आता है, ठीक है, आप ही के जनरेशन का हूँ भाई, है ना। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पर, चलिए हाँ मजाक को अभी छोड़ते हैं, तो एन से एन कट जाएगा हमारा, और सीवी का जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कितना दिया हुआ है, सीवी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5/2 आर, तो 5/2 अगर आर पुट करते तो 5/2 पुट करते आर जो होगा यहाँ का आर से कैंसिल हो जाएगा, चलिए इस आर को भी मैं मिटा देता हूँ। अब जरा देखिए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में दिए हुए हैं क्या क्या लिखना है, तो 5/2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस भी दिया हुआ होना चाहिए आप लोगों को, क्या दिया हुआ है 300 केल्विन से फाइनल टेम्परेचर का गैस पूछ रहा है, तो टी टू निकालना है माइनस 300 केल्विन, याद रखिएगा तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही होना चाहिए, पी एक्सटर्नल पूछा हुआ है एंड 580 इनिशियल दिया हुआ है ना 580, तो पी वन दिया है 580 एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली टू फाइनल प्रेशर 2 अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर 2, तो इसमें 2 ही होगा आंसर, इसका पी टू का आंसर 2 ही हो जाएगा, यहाँ पर रखेगा पी एक्स वन जो 2 होगा तो ये माइनस 2 इंटू हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास टी टू निकालना है, पी वन मुझे पता है, पी वन कितना है मेरे पास, कितना है मेरे पास पी वन है मेरे पास 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस, अब पी टू निकालना है तो पी टू यहाँ हो जाएगा, टी वन पता है मेरे पास, टी वन है 300, और यहाँ पे हो जाएगा पी टू डॉट पी वन, पी वन दिया हुआ है मेरे पास 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास पी टू जो होगा हमारे पास, ठीक है, वो निकल जाएगा, तो एक्चुअली मेरे पास पी टू जो हमारे पास है वो हमें पता है 2 है ना, पी टू भी तो पता है 2 है हमारे पास, टी टू तो निकालना है, पी टू को भी मैं 2 लिख देता हूँ, और ये पी टू को मैं 2 लिख देता हूँ, पी वन तो मेरे पास 5 था ना, ठीक है, तो ये कट गया ये, और ये पी वन मेरे पास 5 था तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो टी टू होगा वो सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आप लोग का यहाँ पे 248.8 केल्विन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 248.5 केल्विन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका, ठीक है, ये लास्ट पार्ट ही रहेगा होप सो, हाँ डिम्पी के लिए, तो अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो काफी अच्छी बात है, वरना अब मैं नहीं कहने वाला, सिंपल सी बात है, अब मैं अपने लिख पे चलता रहूंगा लगातार, तो आप लोग को जैसी मर्जी है ना। इसका भी वही क्वेश्चन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, ये भी सडनली एक्स्ट्रा प्रेशर पे आ गया है, मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिया है, मेरा यहाँ पे कोई हाथ वाथ नहीं है, मतलब कि मेरा ही हाथ है समझाने में, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे ये हाथ नहीं रखा है अपना, तो ये एक्सपेंड हो रहा है एडियाबेटिकली, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, होप्स आप लोग के लिए क्वेश्चन अच्छे से फोकस्ड है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ये देख लीजिए, समझिए इस क्वेश्चन को, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं,
देखते हैं इसमें डेली इक्वल टू डब्ल्यू होगा, ठीक है। क्वेश्चंस को मैं समझा देता हूँ वरना फिर बोलेगा सबको क्वेश्चन समझाते नहीं सर आप। 10 लीटर ऑफ नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक आइडियल गैस, एक नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक आइडियल गैस है, यानी कि एक दो तीन, इसके पास नॉन लीनियर है और कभी कभी जबान फिसल जाता है और बहुत खतरनाक फिसलता है, ठीक है, इसे बचाना पड़ता है क्योंकि भाई तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस है, इसको हम लोग एक एक्सिस है इसके पास, दूसरा एक्सिस है फ्रीडम का, तीसरा एक्सिस है फ्रीडम का, चौथा एक्सिस है फ्रीडम का, तो फ्रीडम के एक्सिस काफी सारे हैं। दूसरा हम लोग इसका गामा निकाल सकते हैं, गामा निकाल के जब हम लोग उसको माइनस करेंगे जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो पता है आप लोग को, सारा का सारा जो कहानी होता है किस्सा कहानी है पता है आप लोग को। तो 10 लीटर क्योंकि मैं डाउट बता रहा हूँ इस समझ से कि आप लोग सब चीज पता है, लेकिन मैं फिर भी हर एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, बट समटाइम्स वी डोंट हैव टाइम, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ फिर भी आप लोग सब चीज बता दिया जा सके। 10 लीटर ऑफ नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक आइडियल गैस, देखिए मैं ऐसा हूँ, मैं सब बोल देता हूँ, नो फॉल्स होप, कोई भी गलत ढंग का होप आपको मैं देना बिल्कुल नहीं चाहता कि हाँ यार हो जाएगा मैं कर दूंगा, बट हुआ नहीं तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए मैं ऐसा कोई फॉल्स होप आप लोग को अब कम से कम नहीं दे रहा था, मैंने पहले बहुत गलतियाँ की है मुझे पता है, इसके लिए मैं पहले ही बहुत भाई माफी मांग चुका हूँ, लेकिन अब नहीं, अब नो फॉल्स होप्स। तो 10 लीटर ऑफ नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक आइडियल गैस है हमारे पास, 127 डिग्री सेल्सियस पे है एंड 2 एटीएम प्रेशर पे है, सडनली रिलीज 1821। अब देखिए 10 लीटर हमारे पास था, 2 एटीएम प्रेशर पे था, मैं तुरंत ही सडनली इसको रिलीज कर दिया 1 एटीएम प्रेशर पे, तो गैस जो होगा एडियाबेटिकली एक्सपैंड कर गया। एडियाबेटिकली मतलब क्या, उसका जो क्यू होगा वो चेंज नहीं हुआ, हीट उतना ही रह गया, एंड कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल टेम्परेचर के अक्रॉस मैंने उसको एक्सपैंड किया था, तो फाइनल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, देखिए टेम्परेचर पूछ रहा है तो सेम का सेम 46 का तो 47 में लग जाएगा, टेम्परेचर हु बहु ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। जब टेम्परेचर आप लोग निकाल लीजिएगा तो फिर वॉल्यूम का निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालेगा सिंपल सिंपल सा दिखाया, जब मैंने बताया पीवी इक्वल टू एनआरटी, बस P2 पता है P1 सब पता है तो मैंने निकल जाएगा वो, अब देखना है कि निकलता कैसे है। तो मैंने सिंपल सिंपल बात बताई थी अभी आप लोग को करना क्या है, उसी ढंग से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी एक नया तरीका देखते हैं कि मैंने जहाँ इस क्वेश्चन को मैंने जब बताया था इस क्वेश्चन को तो मैंने इसी ढंग से बना दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि जब ये क्वेश्चन दोबारा पूछा ही गया है तो एक नया तरीका होना चाहिए आप लोगों को बताने का, तो मैं एक थोड़ा सा नया तरीके से बताना चाहता हूँ आप लोग को। तो ये क्वेश्चन, ये तरीका जो है ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन चलिए जानना जरूरी है तो बता देता हूँ है कि नहीं, तो वरना आप इस ढंग से भी निकाल सकते, फोर्टीज को बनाया था मैं आपसे भी आप निकाल सकते हैं। डेली इक्वल टू डब्ल्यू हो गया तो एन इंटू हो गया मेरे पास, क्या हो गया ये एन इंटू क्या हो गया मेरे पास, सीवी लिखते हैं हम लोग, लेकिन सीवी दिया नहीं है, है ना, सबसे बड़ी बात ये है, और सीवी दिया नहीं है तो क्या होगा हमारे पास, जो ऐसे तो आप लोग नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस के लिए आप लोगों को सीवी बताया गया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, इसीलिए मैं नया तरीका बता रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, वरना फिर मैं पुराने तरीके से चलता, ठीक है, हमारे फोन हो गया ये मेरा इक्वेशन आ गया, ठीक है, इंटू टी टू माइनस टी वन हो जाएगा, T2 - T1 हो जाएगा ये, ठीक है। कई बार क्या होता है इन सब चक्कर में लोग करता है भी कुछ ना कुछ है, जिससे मैंने एक्स को मिटा दिया, और यहाँ पे फिर वही हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल, फिर हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी टू बाई पी टू माइनस एन आर टी वन बाई पी वन, ब्रैकेट में आ गया ये। अब जब आप इसका एन से काटिएगा, आर ओ काटिएगा, सब चीज़ कर जाने के बाद फिर गामा माइनस वन करने के बाद थ्री ऊपर चला जाएगा, ये 1/3 आता है, ये 1/3 आता है, गामा अगर आप निकालिएगा, मैं ये टास्क दे रहा हूँ आप, गामा निकालना आप लोग का काम है, गामा निकालने 1 की जगह 3 1/3 आता है, 1/3 से 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 3 होता है, T2 - T1 हो जाता है ये, और यहाँ पर भी क्या होता है ये माइनस पी एक्सटर्नल तो रह जाता है, और ये हो जाता है मेरे पास क्या P2 हो जाता है ये मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास क्या आता है ये P2 P1 होता है, और ये होता है मेरे पास कितना T2 P1 - P2 T1, ये होता है हमारे पास ये आंसर, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारे पास क्या होता है ये मेरे पास P2 से P2 कट जाता है ये, और P1 जो होता है मेरे पास पहले से दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है मेरे पास 2 एटीएम दिया हुआ है, और मेरे पास पहले से यहाँ पे T2 भी है T1 भी दिया हुआ है, तो 3T2 लिख करके -3T1 लिख देते हम लोग लग सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास P1 जो हमारे पास दिया है, P1 कितना दिया है हमारे पास 2 दिया है ना, और P1 भी 2 दिया है, तो इसको अगर मैं 2 पुट कर दूं यहाँ पे, मैं 2 पुट कर देता हूँ, और इसको मैं 2 पुट कर देता हूँ, तो और इसको मैं P2 जो मेरा P2 है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, और इसको मैं वैसे P2 मेरा कितना है 1 है, तो P2 मेरा 1 है, तो इसको मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, है ना, दोनों के लिए 2 जाएगा, जब मैं दोनों का फ्रैक्शन को अलग अलग करता हूँ तो क्या होगा कि ये 2 यहाँ रह जाएगा और ये 2 यहाँ आएगा, एक 2 यहाँ आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा बस T2 - T1 / 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर से हमारा पूरा इक्वेशन आएगा, फिर आप लोग इधर उधर ले जाके इसको कम कर सकते हैं। फिर हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर पहला हमारा 127 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 127 यानी कि 273 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए केल्विन में बदलना पड़ेगा, तो
टी हो जाएगा 300 और डी हो जाएगा पास 400 के अंदर। तो टी वन भी आपके पास निकल गया, तो टी वन निकल गया तो आप लोग सिंपल सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टी टू जो हमारे पास आएगा और टी टू आ जाएगा पास 350 के लिए आ जाएगा हमारे पास टी टू। ठीक है, तो ये आंसर जो है मेरे पास वो ए है। ठीक है, क्योंकि 350 तो हमें एक ही जगह दिख रहा है, तो वॉल्यूम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए कोई कहे तो सिंपल सिंपल लॉजिक है, कैसे निकालेगा, पी वन इक्वल टू पी टू बाई पी टू। ठीक है, पी वन इक्वल टू पी वन वी वन बाय टी वन इक्वल टू पी टू वी टू बाय टी टू। या फिर वॉल्यूम अगर सेम है आपका, वॉल्यूम तो सेम नहीं है, फिर तो वॉल्यूम निकालने कह रहा है। पी वन आपको पता है कितना है 1, पी टू पता है कितना है, पी वन तो पता है आपके पास 2 है, पी वन कितना है 2 है ना, पी वन कितना है पास 2 है, और फाइनल प्रेशर पी वन टू पी टू कितना है पास 180 है। वी वन पता है आप लोग कितना मेरे पास है 10 लीटर है ना, 10 लीटर है। वी टू निकालना है आप लोगों को, टी वन टी टू आप लोगों ने निकाल लिया है, टी वन कितना था मेरे पास, ये भी 400 था और ये कितना है 350 केल्विन है। तो पुट कर दीजिए जो वी टू का वॉल्यूम है वो भी आ जाएगा 17.5 लीटर के आसपास आएगा। तो दिस वॉज द वीडियो, रीजन से हमारा सारा का सारा डाउट डिम्पी का भी कवर अप होता है। ठीक है, और जो एक दो क्वेश्चंस मैंने इसमें और स्किप किए हैं, उनके, ठीक है, तो उनको प्लीज सॉल्व नहीं कीजिए, कोई फायदा नहीं है, उसके जगह आप कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, विश्वास रखिए क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आए तो मैं उस दिन चैनल बंद कर दूंगा। ठीक है, एग्जामिनेशन आप बताइएगा सारे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्या बढ़ना, अब खत्म हो गया हमारे पास सारा डाउट इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट डाउट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और डाउट बायोलॉजी के बचाए उसे कवर अप करेंगे, और फिर हम लोग इस डाउट सेक्शन को आराम से बंद करेंगे। ये डाउट सेक्शन जो 13 वीडियो से स्टार्ट हुआ था, आज 20 यानी 7 वीडियो के आसपास लग रहा है, 7 वीडियो यानी कि 30-40 मिनट्स के आसपास अगर मैंने लिया है टाइम तो 280 मिनट्स, इट इज वेरी 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 टाइम। ठीक है, ये लगभग आपको अगर 60 से मैं डिवाइड कर दूं इसको तो मेरे पास आता है ये 4 आवर से एक्सेस ज्यादा, एंड फिर भी आप लोग नहीं देखते हैं, ये तो आपके ऊपर है ना भाई, मैं तो अपना काम करता चला जाऊंगा। ओके, तो ठीक है, बहुत डांटना सुनना हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ मैं। ठीक है, एंड नाउ आवर हमारा जो एटम्स का जो चैप्टर है बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। मैंने जो टेंटेटिव डेट बताया है उसके आसपास हमारा एटम और न्यूक्लाई कंप्लीट करना है हमें, और किसी हालत में करना है, एंड वी विल डू इट, एंड मुझे भरोसा है कि हम लोग कर लेंगे। तो जो भी एक या दो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं अपने फ्रेंड्स को बताइए। ठीक है, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी स्मार्ट एंड वर्क हार्ड।